स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित बदलापुर में स्कूल में बच्चियों से यौन उत्पीड़न के बाद फैली हिंसा पर अब राज्य में राजनीति भी जमकर होने लगी है। शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को इस घटना के विरोध में आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये हिंसा प्रायोजित तो नहीं थी। कांग्रेस मोदी सरकार पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगाते हुए संविधान को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर दिख रही है। इसी सिलसिले में आज यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस ने संविधान सम्मान दिवस के आयोजन की योजना बनाई है, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य रूप से सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर राहुल गांधी ने देश भर के संविधान रक्षकों से वहां आने की अपील की है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज शहडोल दौरे पर रहेंगे। बता दें कि वह यहां पर जनजातीय समाज में सिकल सेल अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वहीं राज्यपाल बैगा कौशल विकास केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद कोटमा गांव में रहने वाले संजय बैगा के पीएम जनमन आवास का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बता दें कि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आज सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस जन धरना देकर ईडी को चेतावनी देंगे कि वह अपनी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन मत करे। दिल्ली में आज ऑटो टैक्सी चालक संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी पाने में मुश्किल हो सकती है। एक आंकड़े के तहत हड़ताल की वजह से 400,000 टैक्सी सड़कों पर नहीं उतरेगी। वहीं हड़ताल से ऑटो टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होने का खतरा है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष गुरुदेव महंत नृत्य गोपाल दास महाराज आज इंदौर आएंगे। इस दौरान देश के प्रमुख संत धर्माचार्यों और विशिष्ट जनों की मौजूदगी रहेगी। बिहार के दरभंगा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। बता दें कि आज दरभंगा के रामनगर आईटी कैंपस में जॉब कैंप का आयोजन होगा। कैंप आज सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक लगेगा। 18 से 28 साल के युवक इस जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। कैंप के माध्यम से 300 पदों की रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के 1 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहे भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर भीलवाड़ा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर आज किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर आज राजस्थान के चितलवाना में हिंदू शौर्य सम्मेलन का आयोजन होगा। हिंदू शौर्य सम्मेलन की पूर्व तैयारी को लेकर शिव मंदिर मठ परिसर चितलवाना में कार्यकर्ताओं की बैठक गुरुवार को हुई। बता दें कि इसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रांची झारखंड में आज मानसून सक्रिय रहेगा। राजधानी रांची समेत कोल्हान के कई इलाकों में मंगलवार को मानसून सक्रिय रहा। बुधवार को राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज के दिन सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा था। आज के दिन सन 1690 में कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी। आज के दिन सन 1969 में वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। आज के दिन सन 2000 में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद इरशाद को 5 वर्ष की सजा हुई थी। आज के दिन सन 2008 में पेइचिंग ओलंपिक का समापन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।